वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। ते नाल ही जेकर तुहानू इह वीडियो चंगी लगी तां इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, आपां नू नवें सिरे दे नाल शुरुआत करनी चाहीदी है। एक गल आपां चंगी तरह जानते हाँ कि जे अपने कोल धन संपदा है तां सब अपनी इज्जत करदे ने। पैसे बिना कोई भी आपां नू नहीं पुछदा। मेहनत भी करो पर नाल नाल इह चीज जरूर घर रखो। इस चीज नाल सारे घर विच खुशियां बनियां रहणगियां। सारा साल पैसा घर रहेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जिवें कि होली का त्यौहार नेड़े वे, इस तो पहला पहला इन्हां चीज़ां विचों कोई दो चीज़ां घर विच जरूर लै आओ। पहली है तोते की फोटो। इस पिछे भी कारण है कि सुख नाम का साधु संत होया सी जिसका इस विच वासा होया। जे घर विच छोटे बच्चे ने पढ़ने विच मन नहीं लगता तां घर विच तोते की फोटो जरूर लाओ। यह दरिद्र दूर करन दा सब तो जबरदस्त उपाय है। अगली चीज है शंख। यह 14 रत्नां विचों एक है। यह माया का प्रतीक मनिया जाता है। इसकी आवाज नाल सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। तीसरी है चढ़ते सूरज की फोटो। यह नवी सवेर की नवी रोशनी का प्रतीक है। मन विच चंगे विचार भरता है। चौथी चीज है तुलसी का बूटा। घर विच तुलसी का पौधा जरूर लाओ ते रोज सुच्चा पानी पाओ। तुलसी के पत्ते खाली पेट खाण नाल कई बीमारियों तो निजात मिलती है। ये पौधा जिमें जिमें फैलता है तुहाडी तरक्की आनी शुरू हो जाती है। इन्हां विचों कोई भी चीज घर च लियाओ, घर सुख समृद्धि धन बरकत नाल भर जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।